अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। और सबसे पहले दोस्तों आज हम दिन भर की अपडेट्स देखने वाले हैं, आज क्या हुआ कोर्ट में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे 40-45 और 60-65 को लेकर दोस्तों किसकी जीत की संभावना ज्यादा लग रही है दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों शिक्षा मित्रों की तरफ से क्या अपडेट्स उसको देखने वाले। तो दोस्तों आइए देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सुनवाई का सार शिक्षा मित्र टीम की कलम से। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मित्र जो भाई बहन है वो भी अपनी अपडेट्स देख सकते हैं उनके अनुसार। और दोस्तों जो बच्चे 40 और 45 का सपोर्टर है वो इस अपडेट को देखें। देखिए दोस्तों उनके हिसाब से क्या है कि आज अपना केस सर्वप्रथम 11 बजे टेकअप हुआ, एजी की अनुपस्थिति को लेकर केस पास ओवर हो गया तथा 12:30 बजे से पुनः केस की सुनवाई शुरू हो गई। महाधिवक्ता महोदय ने 3:58 तक अपनी बहस पूरी की। उनकी बहस में मंजूश्री ऑर्डर तथा तेज प्रकाश पाठक एवं पंजाब बिहार राज्य संबंधित ऑर्डर पर उनकी बहस टिकी रही तथा कोर्ट असहमत रही। अंत में इरशाद अली साहब ने कहा कि आपको पासिंग मार्क पहले लगाना चाहिए, भले ही गुणवत्ता के लिए और अधिक पासिंग मार्क कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, अगर आपको गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए थी तो पासिंग मार्क आप जो थी 60-65 उसको आप और अधिक कर सकते थे, यानी आप 70-75 कह सकते हैं दोस्तों इसको। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, भारांक पर भी एजी साहब बोल रहे थे, जिस पर इरशाद साहब ने पूछा कि भारांक हम किस लिए दे रहे हैं, जिस पे एजी का जवाब था हम भारांक इनके 18 वर्ष के अनुभव का दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुल मिलाकर एजी की बहस चंद्रा की रिपीट बहस थी। जी हाँ दोस्तों, जो एजी सर की बहस थी वो चंद्रा की रिपीट बहस थी तथा अंत में प्रशांत चंद्रा ने 4:16 तक अपनी बहस की। इसी समय कोर्ट उठ गई, अपने केस की डेट 26/9/2019 से 26 सितंबर को दोस्तों 2:15 से अपनी केस की सुनवाई दोस्तों दोबारा से होनी है। अब साथियों विपक्ष की बहस लगभग पूरी होती दिख रही है, विपक्ष की बहस पूरी होते ही अपने पक्ष से बहस शुरुआत होगी, उसी दिन से जीत की इबारत लिखी जाएगी। आज तो मात्र कोरम पूर्ण होना था जो कि हो गया। तो दोस्तों ये शिक्षा मित्र की टीम कहती है और 40-45 के जो बच्चे समर्थक हैं, जितने बच्चे को लगता है कि हम 40-45 टीम में आते हैं और हम 89 नंबर दोस्तों आपके आ रहे हैं, 89 नंबर का दोस्तों मतलब ये होगा आप 40-45 टीम में या 96। ठीक है, अगर आपकी नौकरी लगेगी 89 नंबर में दोस्तों तो आप 40-45 कट ऑफ पर लगेगी, अन्यथा आप शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हैं आज की डेट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो रही शिक्षा मित्र की टीम से जो आज हुआ, मतलब जो शिक्षा मित्र की टीम कही कि आज की अपडेट ये होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अब देखिए आप आज की पूरी कोर्ट अपडेट शुरू से लेके अंत तक। टुडे ब्रेकिंग न्यूज, जी हाँ दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि अब दोस्तों आपकी सुनवाई पुनः 26 सितंबर से प्रारंभ होगी। तो दोस्तों आपको एक और तारीख मिल चुकी है 26 सितंबर, लेकिन दोस्तों आज का पूरा दिन में क्या घटित हुआ सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज की लाइव कोर्ट अपडेट। एक एक पल की दोस्तों अपडेट्स आपको मिलेगी आज की जोरदार बहस। जी हाँ दोस्तों, आज एक जोरदार बहस देखने को मिला। सबसे पहले दोस्तों आपके जस्टिस साहब ने एक दिल ही खुश किया दोस्तों, उन्होंने क्या कहा, पंकज कुमार जायसवाल जी ने कहा कि कोई टैग केस नहीं, सिर्फ कट ऑफ को सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की सुनवाई के दौरान दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई टैग केस नहीं, जो दोस्तों आपका कट ऑफ का मामला है 40-45 और 60-65 इसको फाइनल किया जाना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब अब दोस्तों कोई टैग केस नहीं चलेगा। दोस्तों एक और बात, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे उनको भी कोर्ट की अपडेट सबसे पहले मिल सके। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद दोस्तों आज का दूसरा मुख्य पॉइंट क्या रहा, तो दोस्तों हम लोग पल पल के अपडेट्स देखेंगे, लेकिन दोस्तों जो आज के महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों उनको पहले हम देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या कहा गया, एजी सर ने क्या कहा, नियम बदला तब माना जाता है जब रिजल्ट जारी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर रिजल्ट ही जारी नहीं हुआ तो नियम कैसे बदला गया 60-65 कट ऑफ को लगाकर, तब अगर कोई छेड़छाड़ होती पासिंग मार्क सभी के लिए बिना रिजल्ट देखे लगाए गए एजी सर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि अभी तक आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो पासिंग मार्क अगर आज हम लगाते तो सभी के लिए वो सामान्य होगा, तो इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं बनता और 60-65 की जीत होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने एक और अच्छी बात कही कि जिसको भारांक मिल रहा है उसी ने कटाप को चैलेंज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात सीधे तौर पर शिक्षा मित्र को कही गई है, जो लाभ में है वही और लाभ मांग रहे एजी सर गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने क्या कहा कि जिनको पहले से लाभ दिया जा रहा है या भारांक मिल रहा है 25 अंक का वेटेज, उनको दोस्तों और वो चाह रहे हैं कि और कट ऑफ को डाउन किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षा मित्रों को नौकरी मिल सके। उसके बाद दोस्तों देखिए कोर्ट ने क्या किया, अब देखिए दोस्तों कोर्ट के पास क्या अधिकार था, जब कोर्ट ने कहा जब हमें भारांक देने का अधिकार है तो कट ऑफ लगाने का भी अधिकार हमें ही है, सब कुछ किसी विशेष पक्ष को नहीं दिया जा सकता, इसमें अन्य प्रकार के अभ्यर्थी भी हैं।
तो दोस्तों आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले, ठीक है कुछ साल पहले ही, हाँ 1 साल से ज्यादा समय तो हो चुका है, तो शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भरांक दिया गया था। ठीक है तो दोस्तों अब चलिए आज की सुनवाई बिल्कुल शुरू से देखते हैं कि आज आपके लंच के बाद सुनवाई कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है आप लोगों का कि लंच के बाद, ठीक है, पुनः महाधिवक्ता समेत पूरा पैनल कोर्ट रूम में आता है। उसके बाद दोस्तों आप लोग की सुनवाई पुनः शुरू हो जाती है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपके एजी साहब बहस करते हुए, जी हाँ दोस्तों आज सब कुछ एजी साहब ही कर रहे हैं। फिर दोस्तों एजी साहब मारवाड़ के ऑर्डर पर बहस करते हुए, ठीक है दोस्तों, फिर टीम द्वारा उपलब्ध कराए गए मारवाड़ केस का रेफरेंस भी महाधिवक्ता जी के द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि सरकार पहले ही बता चुकी है कि समय समय पर पासिंग मार्क निर्धारित किया जाएगा एजी साहब। तो दोस्तों एजी साहब क्या कह रहे थे कि सरकार के पहले से मतलब बताया जा चुका है कि जब भी सरकार चाहेगी समय समय पर पासिंग मार्क सरकार बदल सकती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, महाधिवक्ता पक्ष रख रहे हैं सरकार की तरफ से, राघवेंद्र सिंह पक्ष रख रहे हैं। ठीक है तो दोस्तों जो आपके महाधिवक्ता जी हैं वो राघवेंद्र सिंह की तरफ से सरकार का पक्ष रखते हुए दोस्तों फिर क्या होता है, एजी साहब प्रत्येक पैरा को बेंच को समझा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों सभी चीज को एजी साहब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं बेंच के सामने। बेंच को अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों इस समय तक बेंच ने उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना, ना तो कोई दोस्तों क्रॉस सवाल हुआ, बेंच अभी भी संतुष्ट नजर आई। जी हाँ दोस्तों इस समय तक जो आपकी डबल बेंच थी पूरी तरीके से एजी साहब से संतुष्ट दिखती हुई नजर आ रही थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, नियम बदला तब माना जाता जब रिजल्ट जारी हो जाता। जी हाँ दोस्तों ये आपका गेम चेंजर पॉइंट बना, तब अगर कोई छेड़छाड़ होती या पासिंग मार्क, ठीक है, सभी के लिए बिना रिजल्ट देखे लगाई गई। जी हाँ दोस्तों देखिए ये पॉइंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, अगर कोई नियम तब बदला माना जाता जब रिजल्ट जारी हो जाता। जी हाँ दोस्तों अगर रिजल्ट जारी होने के बाद सरकार जबरदस्ती अगर आपको दोस्तों पासिंग मार्क बदलती तो मान सकते थे दोस्तों कि इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई, लेकिन दोस्तों यहाँ तक आपका सब कुछ सही नजर आ रहा था। उसके बाद दोस्तों एक और गेम चेंजर पॉइंट आता है, क्या बोला गया, जिसको भरांक मिल रहा है उसी ने कट ऑफ को चैलेंज कर दिया। जी हाँ दोस्तों जिसको 25 अंक का भरांक मिल रहा है जो लाभ में है वही और लाभ मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों जिनको पहले से ही होता है ना कि पांच उंगली घी में, तो दोस्तों वो और लाभ मांगा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों ऐसा एजी सब बोलते हैं। फिर दोस्तों क्या होता है, कोर्ट का महाधिवक्ता को जवाब। जी हाँ दोस्तों फिर कोर्ट क्या जवाब देती है महाधिवक्ता जी को, मारवाह का जजमेंट इस केस में को रिलेट नहीं कर रहा। जी हाँ दोस्तों मतलब इससे कोई संबंध नहीं रखता मारवाह का केस। फिर के मंजूश्री को भी जस्टिस इरशाद साहब ने किया दरकिनार, बोले प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद नहीं लगा सकते पासिंग मार्क। जी हाँ दोस्तों देख लीजिए इरशाद साहब ने क्या बोलते हैं कि अगर एक बार आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है उसके बाद आप नहीं लगा सकते किसी भी प्रकार का पासिंग मार्क। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर फिर से एक बार 40-45 का पक्ष मजबूत होता है। फिर दोस्तों क्या होता है, जब हमें भारांक देने का अधिकार है, जी हाँ दोस्तों क्या बोलते हैं, जब हमें भारांक देने का अधिकार है 25 अंक का वेटेज दोस्तों कहने की बात है, तो कट ऑफ लगाने का भी अधिकार हमें, सब कुछ किसी विशेष पक्ष को ही नहीं दिया जा सकता, इसमें अन्य प्रकार के भी अभ्यर्थी हैं शामिल। फिर दोस्तों लास्ट में क्या होता है, एजी साहब हमने समानता और योग्यता के लिए यह कट ऑफ लगाया है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद दोस्तों अभी भी आपकी एक जोरदार बहस चल रही है डबल बेंच में, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज की जो सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है सभी पक्षों के लिए दोस्तों, चाहे वो 40-45 का पक्ष हो चाहे वो 60-65 का हो। तो दोस्तों आज आपने देखा कि यार एक जोरदार बहस आज आपको देखने को मिली। ठीक है दोस्तों भले ही नतीजा कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन आज की आपकी सुनवाई ने कुछ तो दिल तो खुश कर दिया दोस्तों, क्योंकि इतने दिनों से आप देख रहे होंगे कि रोज 2 मिनट 5 मिनट की सुनवाई हो रही थी दोस्तों, लेकिन आज लंच से पहले भी सुनवाई हुई, लंच के बाद भी हुई। तो दोस्तों लंच के पहले की सुनवाई अगर आपने देखी हो, ना देखी हो तो दोस्तों वीडियो के अंत में उसको आप देख सकते हैं या दोस्तों उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। तो दोस्तों आगे एजी साहब क्या बोलते हैं, इसी भर्ती में 3 तरह के अभ्यर्थी थे, लेकिन उन्हें दिक्कत सिर्फ उन्हें ही है जिनको भरांक दिया जा रहा है, यानी उनको लाभ पर लाभ चाहिए। जी हाँ दोस्तों उसके बाद एजी सर आपको बोलते हैं कि इस भर्ती में 3 तरह के अभ्यर्थी मतलब शिक्षा मित्र, बीटीसी और बीएड के हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत सबसे ज्यादा उन्हीं को हो रही है जिनको पहले से हम भरांक दे रहे हैं। उसके बाद दोस्तों और उनको लाभ पर लाभ चाहिए। जी हाँ दोस्तों मतलब कहने का 25 अंक का वेटेज चाहिए। उसके बाद दोस्तों उनको कट ऑफ में भी छूट चाहिए या सभी को, तो दोस्तों ऐसा पक्ष एजी साहब रख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है आइए देखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, यदि पहले कोई कट ऑफ होती और उसे हटाया जाता तो रूल ऑफ गेम चेंज होता, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों
इसी सर क्या बोल रहे हैं कि अगर पहले से कोई कट ऑफ डिसाइडेड होती है दोस्तों, या 40-45 या कुछ भी दोस्तों, 50-55 या समथिंग समथिंग, तो दोस्तों अगर इस कट ऑफ को चेंज किया जाता तो दोस्तों इसे बोला जाता रूल ऑफ गेम चेंज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले से कोई कट ऑफ बताई ही नहीं गई थी। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, नियमावली के अनुसार केवल एक कट ऑफ होगा, हमने बस वही रखा। जी हाँ दोस्तों, नियम में यही लिखा गया है, सिर्फ आप एक कट ऑफ रख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि पहले कोई कट ऑफ नहीं था। जी हाँ दोस्तों, कटाव नहीं, यहाँ पर कट ऑफ होगा। तो दोस्तों पहले से यहाँ पर कोई कट ऑफ या पासिंग मार्क नहीं था, तो दोस्तों नियम के अनुसार सिर्फ हम एक कट ऑफ रख सकते हैं, तो जिसको हमने रखा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एक एक करके सारे तर्कों के खिलाफ अपना तर्क मजबूती से रख रहे हैं महाधिवक्ता, फिर वह अनुभाग संबंधी विवाद हो या फिर वायलेशन ऑफ रूल। जी हाँ दोस्तों, वायलेशन ऑफ रूल्स। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, एजी सरकार के रूल बुक दिखाते हुए सचिव भी सरकारी आदेश जारी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, एजी सर क्या बोल रहे हैं कि सचिव भी सरकारी आदेश को जारी कर सकता है सरकार की शक्तियों को कोर्ट को बताते हुए। जी हाँ दोस्तों, सरकार की पावर क्या होती है, ऐसा वो कोर्ट को बता रहे हैं। अभी भी दोस्तों आपके एजी सर को ही सुना जा रहा था, तो मतलब दोस्तों आज आपके एजी सर को काफी लंबे समय से सुना जा रहा है, लंच के पहले भी, लंच के बाद भी, और अभी भी। भारांग की समस्या से बाहर हो रहे हैं अभ्यर्थियों की समस्या पर एजी सर की बातों से सहमत कोर्ट, शिक्षा मित्रों के साथ नहीं हो रहा है भेदभाव। जी हाँ दोस्तों, देखिए क्या कह रहे थे कि अगर भारांग की समस्या से बाहर हो रहे हैं अभ्यर्थी, जी हाँ दोस्तों सही बात है, अभ्यर्थियों की समस्या एजी सर की बातों से सहमत हुआ कोर्ट, और शिक्षा मित्रों के साथ नहीं हो रहा है भेदभाव। दोस्तों अभी भी आपकी बहस जारी है, तो दोस्तों आज की आपकी बहस कुछ अच्छी खासी लंबी चल रही है, तो दोस्तों फिर जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आपके महाधिवक्ता सर का सम्मिशन खत्म होता है, और अब सीनियर अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा सर शुरू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये बोलना शुरू कर रहे हैं, तो कोर्ट में दोस्तों 90-97 का पूरा पैनल मौजूद है, किसी भी टीम का कोई भी अधिवक्ता अनुपस्थित नहीं, विपक्ष के भले हैं अनुपस्थित। अब चंद्रा सर आगे बोलते हुए, जी हाँ दोस्तों देखिए, आज आपका अच्छी लंबी मतलब अच्छी खासी दोस्तों सुनवाई देखने को मिली है, और दोस्तों अब आपके महाधिवक्ता सर का सम्मिशन भी खत्म हो चुका है, तो दोस्तों अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। फिर उसके बाद दोस्तों पंकज कुमार जायसवाल जी ने क्या कहा दोस्तों, कहा कि कोई टैग केस नहीं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग सुन रहे होंगे डेली एक केस टैग हो जाता था 69,000 शिक्षक भर्ती में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कहा गया कट ऑफ मामले को सिर्फ आज कट ऑफ को सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो पंकज कुमार जायसवाल जी ने हम लोग का भी दिल दोस्तों कुछ कर दिया, जो बच्चे चाह रहे थे कि शिक्षक भर्ती जल्दी से जल्दी दोस्तों कंप्लीट हो, तो दोस्तों सिर्फ आज कट ऑफ को सुना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस मामले को फाइनल करने के मूड में अब दोस्तों पूरी तरीके से आपकी कोर्ट भी नजर आते हुए दिखाई दे रही है। अब दोस्तों इससे साफ है कि न्यायालय में अब आपका केस ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, तो दोस्तों जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों के 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको एक और तारीख मिल जाती है, जिसका नाम है दोस्तों 26 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी अगली सुनवाई 26 सितंबर से फिर से शुरू होगी। देखिए दोस्तों, 25 तारीख आपको तारीख इसलिए नहीं मिली, आप लोग को पहले पता होगा कि आप लोग का जो केस था 25 सितंबर को डेट मिलने वाली थी, लेकिन दोस्तों आपके एजी सर उस दिन अवेलेबल या उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने कहा था दोस्तों कि इसकी केस को मतलब 25 को जगह 24 को किया जाए, तो दोस्तों इसलिए आपको कल की तारीख नहीं मिली है, तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो 26 सितंबर से दोस्तों आपका केस पुनः सुना जाएगा, तब तक के लिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आपकी शिक्षक भर्ती ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। तो इस शिक्षक भर्ती का दोस्तों हम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि आज जो आपकी सुनवाई हुई है ताबड़तोड़, तो दोस्तों अगर ऐसी सुनवाई एक हफ्ते और चल जाए दोस्तों, तो समझ लीजिए आपका डबल बेंच से आपका मामला फाइनल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 वीक ओनली, समझ रहे दोस्तों, तो 1 वीक के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर दोस्तों आपका जो केस यहाँ से फाइनल हो जाएगा डबल बेंच से। उसके बाद दोस्तों जो भी कोर्ट है होगी आपका ऑर्डर रिजर्व करेगी, उसके बाद दोस्तों देखा जाएगा कि आगे की सुनवाई कैसे होगी, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम 1 वीक का समय दोस्तों यहाँ पर लगेगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जैसे आज ताबड़तोड़ सुनवाई हुई है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आने वाले समय में ऐसी सुनवाई होगी। और दोस्तों अगर आज आपने देखा होगा तो सभी पक्ष ने जबरदस्त सुनवाई की और देखा, और दोस्तों कोर्ट ने भी ये बात स्वीकार किया कि दोस्तों अब कोई टैग केस नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को सुना जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती की पा सके। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और ऑल द बेस्ट 60-65 और 40-45 दोनों भाइयों और बहनों को।